सांगोन में गत दिनों SBI बैंक के पास संचालित शराब की दुकान पर रात के समय दुकान बंद होने के बाद शराब लेने आए कुछ युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी थी। मारपीट में सेल्समैन के सिर में गंभीर चोटी आई थी, जिसका बाद में CCTV फुटेज भी सामने आया था। घटना में पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने नरेश गुज्जर, ओम प्रकाश उर्फ ज्ञान माली, मनोज कुमार वैष्णव समेत 3-4 अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामले में मंगलवार को पुलिस ने सांगो थानाधिकारी राजेश सोनी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो आरोपियों नरेश गुज्जर व मनोज वैष्णव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त की गई कार को भी बरामद कर लिया गया है।